मोहम्मद सलीम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे यहाँ से बोलने का इजाजत दिया जाए, क्योंकि जब भी चीट फंड या ये पॉन्जी स्कीम का मामला आता है, कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और ये हम बंगाल से आए हुए हैं और हमारा अनुभव है। और आज भी आप देखेंगे, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सड़क पे हो, खास करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो चीट फंड के पैसे से ही मुख्यमंत्री बनी है। और यहाँ ऐसे बहुत से सांसद हैं, यहाँ ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनको जेल में रहना चाहिए था। हजारों लाखों गरीब लोगों का पैसा, चाहे वो विधवा माँ हो, चाहे वो हॉकर हो, चाहे वो किसान हो, उनका पैसा इकट्ठा करके ये लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ करप्ट लोग रहते हैं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस करप्ट लोगों की पार्टी बनी है और उसमें कुछ लोगों को जुगाड़ किया गया है। हम पिछले 17 साल से कहते आ रहे हैं, आज पूरे देश को मालूम हो, ये स्कीम को बैठ करने के लिए 2002 में बंगाल के वामफ्रंट सरकार, जब एनडीए की हुकूमत थी, तब ये बिल हम बनाए थे बंगाल में, लेकिन चूंकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ वाजपेयी जी की सरकार में थी, इसलिए केंद्र सरकार उस बिल में एक्सेप्शन नहीं दिए, एक्सेप्ट नहीं किए, वरना आज इतने लोगों को पैसा गंवाना नहीं पड़ता। आज हम इस पीयूष गोयल जी का समर्थन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, इसमें तृणमूल के आधा दर्जन एमपी को भुवनेश्वर के जेल में रहना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक सौदाबाजी करके ये जेल के बाहर आ गए और यहाँ करके भाषण देते हैं। लाखों लोग सीधा पीट करके ममता बनर्जी के घर में पहुंचे कि हमारा पैसा वापस दो। मुख्यमंत्री कहीं जो किया सो किया, अभी पता चल रहा है वो चीट फंड का पैसा कहाँ गया है। और ये कानून ले करके सिर्फ चीट फंड बैन करने से नहीं होगा, सीबीआई का जांच सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था, कोई सौदाबाजी नहीं। जरूरत पड़ेगा इन तृणमूल कांग्रेस के चोरों के मकान नीलाम करके, इनका कपड़ा उतार करके गरीब जनता का पैसा को वापस करना पड़ेगा, ये मांग मैं करता हूँ।